तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल आई नॉलेज पे। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से किसी भी क्लासिक प्रिंटर या किसी भी पुराने प्रिंटर जिसमें वाईफाई का फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है, उस प्रिंटर से भी आप कैसे अपने मोबाइल के थ्रू बिना किसी वायर के मदद से प्रिंट कर सकते हैं। कहीं भी बैठे, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, नेटवर्क होना चाहिए मोबाइल में, प्रिंट ज़रूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए हम चलते हैं पहले हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है? ओके, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र के अलावा दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ नहीं कर सकते हम प्रिंटर ऐड करने के लिए। हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग में जाने हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जो एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, इसमें हमें सर्च करना है क्लाउड। क्लाउड सर्च करते ही यहाँ पर नीचे गूगल क्लाउड प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैनेज पर क्लिक करें। मैनेज करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड प्रिंटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड प्रिंटर पर क्लिक करके हम अपने प्रिंटर को ऐड करेंगे। नाउ क्लिक करते हैं। अभी यहाँ आप सभी को अभी एक लिस्ट दिख रही होगी प्रिंटर की, जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, वो सारे प्रिंटर की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। आपको जो जो चाहिए वहाँ पर टिक राइट लगा दें, जो जो प्रिंटर आपको नहीं चाहिए उसे टिक आउट कर दें। मुझे जो चाहिए उस पर मैं टिक करूँगा, बाकी पे अनटिक कर दूँगा। देखिए मुझे ये वाला प्रिंटर चाहिए, एचपी का जो क्लासिक प्रिंटर है, इसमें वाईफाई नहीं है फंक्शन, लेकिन फिर भी हम इसे वायरलेसली प्रिंट करेंगे। वायरलेसली प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ऐड प्रिंटर पर क्लिक कर दे। ये जो ऑटोमेटिकली प्रिंट है ये वाला, अगर कोई नया प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो ऑटोमेटिक आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इसे आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। सिंपली उसे रहने देते हैं और ऐड प्रिंटर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रिंटर हमारा ऐड हो चुका है। थैंक्स, यू आर रेडी टू गो। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद यहाँ पर दोबारा क्लाउड प्रिंट पर क्लिक करें। यहाँ जो प्रिंटर के लिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, मैनेज करने के लिए हमने जो अभी ऐड किया था वो था HP LaserJet M1005 जय इंटरनेट वाला। इस पर हमें क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक कर देते हैं। मैनेज पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स हम इस पेज पे आ गए हैं इस प्रिंटर को मैनेज करने के लिए। यहाँ प्रिंटर है, यहाँ प्रिंट जॉब्स है, जो कि प्रिंट जॉब्स अभी लगे होंगे वहाँ दिखाएगा, और यहाँ प्रिंटर पर प्रिंटर्स दिखाएंगे। हमारा ये वाला प्रिंटर है, इसे हमें अब जाके शेयर करना है। फ्रेंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर किए बिना नहीं होगा। यहाँ पे हमें वो ईमेल आईडी जाना है, डालना है जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे जिस मोबाइल से आप प्रिंट करना चाहते हैं उस फ़ोन में जो ईमेल आईडी है उसे यहाँ पे सिंपली टाइप करें। मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, जिस ईमेल आईडी से मुझे प्रिंट करना है। यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी, वो मैनेज करेंगे या खाली प्रिंट करेंगे। कैन प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे शेयर कर देते हैं सिंपली। फ्रेंड्स ईमेल आईडी के साथ जो ये शेयर किया था प्रिंटर, हमें उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे एक मेल आया होगा ऐड प्रिंटर करने का, उस पर हमें क्लिक करना है। अभी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं हम। हमें इसके जीमेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ एक गूगल क्लाउड प्रिंट की तरफ से एक मेल आया हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो प्रिंटर हमने शेयर किया था वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, हमें ऐड प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ये हो गया प्रिंट, ये ऐड हो चुका है प्रिंटर। अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ सकते हैं। करना है इस एप्लीकेशन का नाम है प्रिंट शेयर। ये प्रिंट शेयर जो एप्लीकेशन है वो बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम प्रिंट मारेंगे वायरलेसली अपने फ़ोन से। इस एप्लीकेशन को यूज करने की जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो ये है कि इससे अपन को पेज को आराम से बहुत सारे सेटिंग में सेट कर सकते हैं, 4x6, 5x6, A4 में, और कहाँ कहाँ साइड में चाहिए, राइट कॉर्नर में चाहिए, बहुत सारे सेटिंग हैं जो कि पेज को आराम से सेट करने में अपने अकॉर्डिंग हेल्पफुल है।
बाकी इस और बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट जो पेपर का जो साइज रहता है इमेज का, उसी में साइज में प्रिंट मार देता है। सेटिंग या क्रॉप या कुछ करने का, मैनेज करने की सुविधा नहीं देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये वाली एप्लीकेशन को यूज़ करना सही रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसे ओपन करके प्रिंट मार के देखते हैं। अब मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन बताई थी प्रिंट शेयर, उसी को ओपन कर लें। गूगल क्लाउड प्रिंट का यूज़ करें, इससे हमने शेयर किया था प्रिंटर को। यहाँ वो प्रिंटर यहाँ पे आ रहा है जो हमने शेयर किया था, HP LaserJet जय इंटरनेट वाला, इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ बोल रहा है कंग्रेचुलेशन हो गया है, रेडी है। हम टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट टेस्ट पेज करते हैं। यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरा प्रिंटर से प्रिंट आया कि नहीं जो मैंने मारा अभी। यही मेरा प्रिंटर है जो कि आप लोग जानते होंगे कि ये वायरलेसली काम नहीं करता, लेकिन हम इसे काम करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये टेस्ट पेज आ गया जो हमने प्रिंट मारा था, सेम यही चीज़ हमने मारा था, एकदम स्मूथली काम करता है फ्रेंड्स। और इस एप्लीकेशन की खासियत बात यह है कि आप पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं 4x6 की साइज़ जो भी है, बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं, पेज को आप सेटअप कर सकते हैं और जिस साइज़ में चाहे निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और इस एप्लीकेशन के थ्रू फ्रेंड्स एक और वीडियो मैं बना दूंगा जिस पर मैं आपको बताऊंगा, चाहे कोई भी प्रिंटर हो, चाहे वो पुराना हो नया हो, उसको हम मोबाइल से प्रिंट कर सकते हैं वायर के थ्रू भी और वायरलेसली भी। वायरलेसली मैंने अभी आपको बता दिया, अगर आपको मोबाइल से ही किसी वायर से प्रिंट करना है डायरेक्ट USB लगा के, तो भी आप वो प्रिंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी वीडियो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा जब। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।